एक हिंदू लड़की का वाकया है। छोटी बच्ची थी 3-4 साल की, वो अपनी एक क्लास फेलो के घर खेलने जाती थी, जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी वालदा अपने घर में बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी। चुनाचे इसकी क्लास फेलो लड़की कुछ देर खेलती और फिर उसकी वालदा उसको कुरान पाक पढ़ने के लिए बुला लेती। इसका दिल चाहता कि मैं अभी घर न जाऊं तो ये उसके साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती। हिंदू लड़की है, हिंदू घराने की। इसने इब्तदाई कादा भी पढ़ लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद अपनी क्लास फेलो के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। मां बाप को कुछ खबर नहीं। जब मुसलमान लड़की ने नाजरा कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि यह बच्ची जवान हो गई। मां बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में एक ऐसे नौजवान से की जो बहुत मुतशद्दिद हिंदू था, बहुत मुतशद्दिद था। वो मुसलमानों का नाम सुनना ही पसंद नहीं करता था। अब जब लड़की की शादी होने लगी तो वो अपनी दोस्त की वालदा को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान भी तो पढ़ना सीख लिया और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। मां बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो बस उसी वक्त मुझे वो कत्ल कर देंगे। और अब मेरी जिससे शादी हो रही है वो भी हिंदू है और मुतशद्दिद है, मैं क्या करूं। उसकी उस्तानी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है, अल्लाह ताला तेरे ईमान को जाया होने से बचाएंगे। चुनाचे उस उस्तानी ने उसके लिए शादी का तोहफा तैयार किया और उसके बिल्कुल नीचे कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया तो उसने उसकी वालदा को कहा, लड़की की वालदा को, कि इसकी पैकिंग हमने बहुत खूबसूरत करवाई है, हमारा दिल चाहता है कि ये बच्ची इस पैकिंग को यहां ना खोले, अपने ससुराल में जाके खोले। तो मां बाप ने बात को मान लिया। चुनाचे इस तरह जब वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुंची तो कुरान मजीद का एक नुस्खा भी उसके साथ उसके घर में पहुंच गया। लड़की ने वहां जाके उसको अपने कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका खामिन जब दफ्तर चला जाता और वो घर पे अकेली होती तो वो कुरान मजीद को निकाल के रोजाना पढ़ती थी और खामिन के आने से पहले पहले फिर छुपा देती थी। कई साल उसने इसी तरह गुजार दिए, हत्ता कि वो हमला हो गई। अब वो सोचती, मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, खामिन घर पे नहीं होता तो मैं कुरान मजीद पढ़ लेती हूं, अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे का ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआएं मांगती कि अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बना कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वो भी मुसलमान बन जाए, कोई सूरत नजर नहीं आती थी। अल्लाह की शान देखें, एक दिन उसके खामिन ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए तो कैंसर डायग्नोज हो गया कि जिस बंदे को कैंसर है। खामिद बड़ा परेशान घर आया, अपनी बीवी को देख के रो रहा है। बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार, इतनी मोहब्बत करने वाली है और तेरा मेरा साथ अब चंद दिन का है, मैं बस अब मरने के करीब हूं। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है, कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि बस तू एक महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उस बीवी ने कहा कि नहीं, आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है, वो मैं करती हूं, मुझे उम्मीद है आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो खामिन ने वादा कर लिया कि अगर मैं सेहतयाब हो गया तो जो तुम कहोगे मैं वो काम कर दूंगा, मैं पूरी कर दूंगा तुम्हारी ख्वाहिश को।
उस लड़की ने सूरह फातिहा पढ़ के उसको दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तानी को देखा था, वो बीमार बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ के दम किया करती थी। खामिंद पूछता, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं, तुम्हारा मेरा वादा है, अगर तुम सेहतमंद हो गए तो बस मेरी बात को मानोगे। तो खामिंद ने उससे मजीद पूछना छोड़ दिया कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती। अल्लाह की शान, एक महीना वो लड़की उसको सूरह फातिहा पढ़ के दम करती रही। फिर महीने के बाद जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको तो कभी जिंदगी में कैंसर का निशान तक नहीं था। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। अब जब रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर आ गईं, खामिंद ने बीवी को कहा कि मैं अपना वादा पूरा करता हूं, बताओ क्या कहती हो? उसने कहा कि आप कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। उसने पूछा, तुम ये बात क्यों कर रही हो? फिर लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी क्लास फेलो की वजह से मुसलमान औरत के घर में जाती थी और मैंने वहां से कायदा पढ़ा, कुरान पाक पढ़ना सीखा और मैं दिल में मुसलमान हो गई थी, और जब आप दफ्तर चले जाते थे तो मैं पीछे कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान हो जाएं और मेरी होने वाली औलाद भी मुसलमान हो। अब आप मेरी बात को माने, आपने वादा किया हुआ है। अल्लाह की शान की उस नौजवान ने कलमा पढ़ा, वो भी मुसलमान हो गया। फिर इस औरत के यहां बेटा हुआ, इसने अपने बेटे को भी कलमा सिखाया। अब ये मियां बीवी और बेटा सब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले। इनको डर ये था कि हम अगर इजहार कर देंगे तो हमारे बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खामिंद ने कहा, फिक्र ना करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता फरमा दी। चुनाचे ये अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बन के गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहां पांच वक्त की नमाजें भी पढ़ता था। कुरान मजीद की मोहब्बत ने उस लड़की के ईमान को बचा लिया। कुरान मजीद कहफ है, जैसे असाब कहफ के ईमान को अल्लाह ने कहफ के अंदर महफूज फरमा लिया था, कुरान मजीद भी कहफ है, जो इससे मोहब्बत करेगा उसका ईमान महफूज रहेगा। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे।